प्रदेश के राघोगढ़ में चुनाव की तारीख तय हुई। राघोगढ़ का उद्धार करने का काम कभी किसी ने नहीं किया, लेकिन अब जो भी होता आ रहा है वो मैं अब देख नहीं पाऊंगा। म्युनिसिपैलिटी रेलवे के ऊपर ब्रिज बनाएगी, बुजुर्गों को चाय बिस्किट खिलाएगी। चुनाव जीतने के लिए सब झूठ मैं नहीं बोलने वाला। चेयरमैनी इस खानदान के लिए अपौती है। राघवगढ़ के इन मंचलों को मैं अच्छी तरह से जानती, सबका कच्चा चिट्ठा है मेरे पास। जिन दरिंदा ने वो पगली पर बलात्कार किया है उन सब का चेहरा बेनकाब करके रहो। पगली के स्कैंडल में कई लोगों का नाम घसीटेगा। ये बच्चू लाल है ना, बड़ा शातिर दिमाग का है। बच्चू लाल पूछ रहा है ना कि इस बच्चे का बाप कौन है। मैं बताऊंगी कि इस बच्चे का बाप कौन है। बड़े सपने दिखाते हैं ये। अगर इस बार भी आप चेयरमैनी का चुनाव लड़े ना तो मैं कह देती हूँ वोट तो दूर की बात है, मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। मैं इस पगली आश्रम का निर्माण करवा के रहूंगा। पगली के नाम पे इमोशनल भीड़ इकट्ठा होगा, भीड़ भी आएगी और पैसा भी आएगा। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उदल्ले आनंद ने शब्बों के पीछे से राजनीति करनी शुरू की है। शब्दों के खड़े होने से बिरादरी का वोट बट जाएगा। ये वक्त है जब पूरी कौम एक साथ आपका समर्थन मांगने आई। विजय तो आपकी ही होगी। चुनाव में कांटे का टक्कर है। एक एक को उठा के पोलिंग बूथ तक लेकर जाना है। कई चीज मुझे डेमोक्रेसी की अच्छी नहीं लगती। डेमोक्रेसी का मतलब ये थोड़ी है कि कोई भी खड़ा हो जाए। जहाँ लोगों का मेला हो बे, पागलों का झमेला हो बे, तो समझो खेला होबे। इस शहर मात के खेल में बहुत सारे प्यादे गिरने बाकी है। तो समझो खेला होबे। खेला होबे। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।